वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, आई एम योर कंप्यूटर टीचर तस्वीर नसीहत। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 59। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1, वी कैन सिलेक्ट अ वर्ड बाय। ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास हैं, ए क्लिकिंग द माउस वंस, बी क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑन द माउस, सी डबल क्लिक द माउस। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अगर हमें वर्ड कोई भी वर्ड सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना कर्सर उस जो वर्ड सिलेक्ट करना है उस पर रखेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पे क्या है, वी कैन सिलेक्ट टेक्स्ट बाय। अगर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं, ए क्लिकिंग द राइट बटन ऑन द माउस, बी ड्रैगिंग द माउस वाइल क्लिकिंग ऑन इट, सी क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑन द माउस। ठीक है बेटा, ये आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, इफ़ अ सेंटेंस इज इन द रॉन्ग प्लेस एंड वी नीड टू मूव इट। ठीक है, अगर हमारा एक सेंटेंस है वो किसी दूसरी जगह पर लिखा हुआ है और हमें किसी दूसरी जगह पे उसको मूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कॉपी एंड पेस्ट इट, वी डिलीट इट या वी कट एंड पेस्ट इट। तो उसके लिए हम क्या, कौन से ऑप्शंस यूज़ करेंगे, ये आपको टिक करना है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे टिक करना है। नंबर 4 पे क्या है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। ठीक है, तो हमारे स्पेलिंग और ग्रामर टूल कौन से होते हैं, ए डज नॉट चेक स्पेलिंग मिस्टेक चेक नहीं करते, बी डज नॉट चेक ग्रामर चेक नहीं करते, नंबर सी शो ऑल स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर। तो अब आप इसमें से जो भी सही करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 वेज इन विच वी कैन एडिट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो हमारे कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन करेक्ट अवर मिस्टेक यूजिंग बैक स्पेस की, वी कैन कट टेक्स्ट एंड मूव इट इन अदर प्लेस, नंबर 3 वी कैन करेक्ट स्पेलिंग बाय रनिंग अ स्पेल चेक। ठीक है, तो ये अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मिस्टेक्स आ रही हैं या कुछ भी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई सेंटेंस हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बुक पेज नंबर 60। अब आपको क्या करना है, ये जहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को क्या करना है, अंडरलाइन द स्पेलिंग मिस्टेक विथ अ रेड पेंसिल इन द गिवन वर्कशीट। ठीक है, आपको जो वर्कशीट दी गई है इसमें जो मिस्टेक्स हैं वो रेड पेन से आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। रेड पेंसिल जो कलर होता है उससे आपको मिस्टेक्स यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए। ओके बेटा, तो अब आपको क्या करना है, बुक पेज नंबर 59 एंड बुक पेज नंबर 60 कंप्लीट करना है।